नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आपके बीच में इंजीनियरिंग कंसेप्ट के साथ में एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कि अभी कोविड-19 के लिए जो हम सैनिटाइज़र करते हैं, उस सैनिटाइज़र के लिए मैंने एक नया मशीन बनाया है। ठीक है, जो मशीन आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, साथ के साथ इसका फंक्शन और कैसे बनेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जी, जो मशीन मैंने बनाया है बहुत ही लो कॉस्ट में बना है मशीन, तो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये कैसे ऑटोमेटिक चलता है, ये मशीन फुली ऑटोमेटिक है टोटली। जैसे ही मैं यहाँ पर आया, इसने सेंस किया और ये फॉर्मिकेशन आप देख रहे हैं, तरह तरह का फॉर्मिकेशन हो गया ये। और मैं अंदर जहाँ जाता हूँ, सैनिटाइज होते हुए चला जाएगा आदमी एक कॉफी जो अंदर। ये देखिए आप किस तरह से ये सैनिटाइज हो रहे हैं। ठीक है, ये मशीन जो है मैंने अभी जस्ट अपनी कंपनी में लगाया है बना करके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या क्या चीज़ लगा हुआ है वो आपको डिफ़ाइन करने वाला हूँ मैं। ठीक है जी, सारा कुछ आपको मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ मैं, जो भी मशीन लगी हुई है लो कॉस्ट में कैसे बना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ जो लगा हुआ है कुछ नहीं, नोज़ल्स लगे हुए हैं सारे के सारे। और नोज़ल के साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो ये पाइपलाइन के थ्रू हमारा यहाँ से जो भी केमिकल हमने डाल रखा है, सारा का सारा सैनिटाइज़र का केमिकल हमारा यहाँ से आ रहा है। ये सारा का सारा जो है मोटर पे चलता है, और हमने यहाँ पे मोटर भी यूज़ में लिया है। ठीक है ना, मोटर के साथ साथ में मैंने एक सेंसर लगा रखा है इसमें, जिस सेंसर के थ्रू ये चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो मोटर कौन सा है, सेंसर कौन सा है, कैसे है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसमें ज़्यादा कुछ मैंने यूज़ में लिया नहीं है, एक मोटर मैंने ये लिया है, जैसा कि आपको मोटर दिख रहा है। मोटर के साथ साथ में 12 वोल्ट का एक मैंने SMPS लिया है, और साथ के साथ मैंने SMPS से यहाँ से NONC की वायरिंग मैंने सेंसर को दिया है। जैसे ही कोई आदमी वहाँ पर आएगा, NONC होकर के सेंसर मेरा एक्टिव होगा, और एक्टिव होकर ये मोटर मेरा चलेगा, और ये सैनिटाइज़र मेरा जो मशीन है, ये मैंने जो सैनिटाइज़र बनाया है, सैनिटाइज़र चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ही लो कॉस्ट में बना है। इसका अगर प्राइसिंग और कंसेप्ट अगर आप जानना चाहते हैं, अगर इसका प्राइसिंग कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका इसका जो भी डायग्राम होगा वो डायग्राम मैं आपको शेयर करूँगा। इसमें बहुत ही कम खर्च में ये सैनिटाइज़र टोटली बना हुआ है। इस सैनिटाइज़र को बनाने के लिए आपको एक टैंक की ज़रूरत पड़ेगी ऐसी, साथ के साथ जो मोटर मैंने दिखाया वो मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ स्प्रे नोज़ल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। स्प्रे नोज़ल लगा करके आप अच्छे से अच्छा आप सैनिटाइज़र बना सकते हैं। ये मैंने अपनी कंपनी के गेट पर लगा रखा है, जो कि जो भी एम्प्लॉई हमारे आते हैं कंपनी में वो फुल्ली सैनिटाइज होकर के आते हैं। ये जो है हमारी कंपनी का मेन गेट है, यहीं से सारे के सारे एम्प्लॉयों का एंट्री होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे एम्प्लॉयों का एंट्री यहाँ से होता है इस गेट से। ये देखिए, जो भी आ रहे हैं वो सैनिटाइज होकर के जा रहे हैं। तो आपको इसका जो भी कंसेप्ट है अगर आप जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका इसका सारा का सारा डिटेल दे दूँगा आपको। इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं लगी है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं गई है। 1000 रुपये का मोटर है, 1000 रुपये तक की SMPS है, और 600-700 रुपये का जो है नोज़ल है ओनली। तो टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 2500 से लेकर के 1000 रुपये के बीच में टोटल कॉस्ट आया है इसका निकल करके। तो आप भी अगर चाहते हैं अपनी कंपनी में, अपने घर पे या कहीं पे भी सैनिटाइज़र इस तरह का बना, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।